देवी माँ, आज मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी दादी दयावंती को मार डालूं और उसे मारकर अपनी पापा और मम्मी की मौत का बदला पूरा करूं। लेकिन ये क्या, मेरी पापा की दूसरी बीवी तांडव क्यों कर रही है? अरे मम्मी मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ, बाद में तांडव करना। सीरियल नामकरण में फट रहा है ज्वालामुखी, वो भी नीला के गुस्से का, जिसमें जल रही है अवनि। पापियों का विनाश करने से पहले जैसे काली माँ ने रौद्र रूप धारण किया, वैसा ही तांडव किया आज नीला ने काली माँ के सामने। लेकिन नीला के तांडव करने से ना तो दयावंती मरेगी और ना ही अवनि बचेगी, तो फिर अवनि को ढूंढने के बजाय तांडव क्यों कर रही हैं? अरे भाई बेचारी अवनि को बचाइए। जी हाँ, अंदर तांडव चल रहा है, मेरी मामा एग्रेशन के साथ मेरे लिए भगवान से गुस्सा है, अपना वो गुस्सा एग्रेशन डांस के थ्रू दिखा रहे हैं। और या अब समझ में आया कि नीला ये तांडव काली माँ से शिकायत करने के लिए कर रही है। वैसे नीला यहाँ काली माँ से शिकायत कर रही है तो वहीं अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। दयावंती ने उसे जिंदा जलाने का पूरा इंतजाम कर लिया है, इस लकड़ी में आग लगाने की देर है और अवनि का काम तमाम। और तो और, दयावंती अवनि को मारने का काम अमोल से कराना चाहती है, इसीलिए अपना हाथ खुद काट कर अमोल को अवनि और अपने दुश्मनों के खिलाफ भड़का रही है। भाई ऐसी दादी से भगवान बचाए। छोटा सा टेंट है जो जिसमें मेरा खाने का सब स्टॉक है, अभी मैंने बिस्किट्स खाए हैं और चाय भी पीनी बाकी है, सो या आप सब यहाँ पे वेलकम है। वैसे आप जरा देखते हैं नीला यानी शयंतनी घोष का ये तांडव। भाई शयंतनी घोष नागिन बनकर बहुत तांडव कर चुकी है, लेकिन अब अवनि की सौतेली माँ नीला बनकर तांडव करने में इन्हें बड़ा ही मजा आ रहा है। और जो सीक्वेंस है वो भी बहुत स्पेशल है, काली पूजा का बैकड्रॉप है एंड एज अ बंगाली आई टोटली कनेक्ट टू इट। और अवनि जो है वो लापता है, दयावंती ने कहीं तो अवनि को कैद करके रखा है, उसकी जान को खतरा है। सो एज अ मदर इट्स माई इंस्टिंक्ट कि मैं अपनी बेटी को बचाऊँ। भाई कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप पड़ता है तो बचाने के लिए कोई ना कोई अवतार आता है, देखना होगा कि काली माँ किस रूप में आकर अवनि को बचाएंगी और दयावंती के पापों का संहार करेंगी। फिलहाल अवनि है खतरे में और अब तो उसे बस काली माँ का ही सहारा है। आकिब खान, मुंबई आज तक। We'll be right back.